नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र है। वहां के ठाणे के पास बदलापुर में दो बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत की खबर है। ठाणे पुलिस के मुताबिक पुलिस आरोपी को एक दूसरे मामले में तलोजा जेल से पेशी पर लेकर जा रही थी। स्क्वाड में चार पुलिसकर्मी थे, जिनमें से एक के रिवॉल्वर आरोपी ने छीन ली और भागने की कोशिश में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है। DCP EOW की अगुवाई में SIT जांच करेगी। बड़ी खबर, पुलिस एनकाउंटर में बदलापुर रेप कांड के आरोपी की मौत की खबर है। पेशी पर ले जाते वक्त ये सब कुछ हुआ। पुलिस की रिवॉल्वर छीन कर हमला किया गया, ऐसा पुलिस का कहना है। हमले में दो पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। अस्पताल में आरोपी की मौत की पुष्टि भी हो गई। इस एनकाउंटर की जांच के लिए SIT का ऐलान भी कर दिया गया। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। आरोपी अक्षय शिंदे का परिवार पहुंचा है अस्पताल। पुलिस पर परिवार ने आरोप भी लगाए। एनकाउंटर की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है और शव भी देखने नहीं दिया गया। यह आरोप है अक्षय शिंदे के परिवार का। जिस आरोपी की इस मामले में मौत हुई, उसके परिवार का आरोप है कि उसके शव को भी देखने नहीं दिया गया। यह बड़ी अपडेट। आरोपी अक्षय शिंदे का परिवार अस्पताल पहुंचा। पुलिस पर परिवार ने आरोप लगाए। एनकाउंटर की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उसका शव भी देखने नहीं दिया गया। यह बड़ी खबर। अक्षय के पिता हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि क्या कुछ बातचीत हुई थी कभी? अक्षय ने ये आपसे कहा था कि जेल के अंदर जो है उसे प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस? गया समूर को मारा था उसको। गया समूर गए थे हम लोग, तभी बताया था। उसका पैर दुख रहा था, उसका चलने नहीं आ रहा था। आज भी दुख, बहुत मारा था बोलते। तो बात हो गया। मैं बोला कुछ तो मारा रहेगा, जान दे बेटा। तो ये समूर गया तो बातचीत किया हम लोग, तो निकला तो अभी ये घटना आपको मालूम करा। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि उसने आत्मरक्षण में, ये सब झूठ है। ये पैसा दबा के उसको काम किया है, उसको गुना तूने किया है तो तुम दिखाओ ना कोर्ट में। उसको दाखिल नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ चार्जशीट आया उसको, इतना ही है। कोर्ट पास लेके नहीं है कोर्ट में, उसको दाखिल नहीं किया। और तुम जाओ सीधा, क्या बता रहे? बच्चे ने छीना पिस्तौल, फायरिंग किया। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया गया? फर्जी है, फर्जी। और ये पैसा देखिए, कुछ पैसा का लड़का को मार डाला है। किसने पैसा दिया, किसको बचाया जा रहा है? इसमें स्कूल में और 6 जन है, 2 लेडीज लोग भी बाहर फरार है और 4 जन जेंट्स है, वो भी फरार है। वो लोग नहीं, और पकड़ा नहीं उनको, तो मेरा लड़का को मार डाला इधर। आरोपी के पिता की बात आपने सुनी। इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है वो बताने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे। ये देखिए आप, कैसे मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे। ये जो बताया गया है, अक्षय शिंदे को पुलिस तलोजा जेल से ले जा रही थी। पहली बात ये पुलिस के द्वारा बताई गई, एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर ले जा रही थी पुलिस अक्षय शिंदे को, और फिर गाड़ी में ही पुलिस वाले की गन छीन कर गोली चलाई गई, ये पुलिस का कहना है। इसके बाद बताया गया कि गोली दो पुलिस वालों को लगी, ये पुलिस का कहना है। वो सारी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। SI नीलेश मोरे और SI टीम के संजय शिंदे जख्मी हो गए इस सारे घटना में, और बचाव में पुलिस ने गोलियां चलाई और अक्षय मारा गया, ये भी पुलिस का कहना है। ये तथ्य पुलिस के द्वारा बताए गए। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। बदलापुर एनकाउंटर पर बोले हैं CM शिंदे, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस बोले हैं कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। विपक्ष इस पर सियासत न करे, ये भी डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। विपक्ष तो फांसी की मांग कर रहा था, ये भी उनका कहना है। बड़ी अपडेट, बदलापुर में आरोपी था तो उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने API नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको
उसके तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे, उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीन कर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जवाब में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत है। दोनों बयान आपने देखे। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि बच्चियों से अन्याय का कानूनी तरीके से अंजाम देना चाहिए था। आरोपी का एनकाउंटर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय की नाकामी है। पेशी के दौरान ढिलाई बरती गई। इधर कांग्रेस ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बदलापुर घटना को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। उसको बचाने के लिए मुख्य आरोपी को ही खत्म कर दिया जाए, यह भी हो सकता है। इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए, यह हम मांग करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि बदलापुर में क्या हुआ था, ये पूरा मामला क्या था। 12 और 13 अगस्त को बच्चियों से स्कूल में दरिंदगी हुई। 4 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी हुई थी। स्कूल के वॉशरूम में यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे था। घटना के 4 दिन तक स्कूल प्रबंधन खामोश रहा था। 14 अगस्त को पुलिस को शिकायत दी गई और फिर पुलिस ने शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन नहीं लिया। 17 अगस्त को कहीं जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 20 अगस्त को लोग सड़क पर उतरे, ट्रेनें रोक दी गई। 20 अगस्त को 4 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में केस दर्ज किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। एनकाउंटर से ही जुड़ी है। यूपी के सुल्तानपुर में एनकाउंटर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और यह अभी खत्म नहीं हुआ कि गाजीपुर में फरार चल रहे एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ जिसमें वो गंभीर रूप से घायल है। ये ऑपरेशन नोएडा और गाजीपुर पुलिस ने ज्वाइंट तौर पर चलाया। आरोपी मोहम्मद जाहिद पर आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या का आरोप है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और एनकाउंटर की खबर यूपी से। तो यूपी के सुल्तानपुर डकैती का जो आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया उस पर नया विवाद शुरू हो गया है। इसी मामले में आरोपी मंगेश यादव के मुठभेड़ में मारे जाने पर कैसी राजनीति हुई ये सब ने देखा। अब इसी केस के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर किए जाने पर कैसी हलचल है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। थाना अचलगंज के बेथर की यही वो जगह है जहाँ सोमवार तड़के मुठभेड़ हुई। पुलिस का दावा है कि उसे 1 लाख के इनामी आरोपी अनुज प्रताप सिंह की मौजूदगी के सुराग मिले थे। जब उसे घेरा गया तो अनुज ने फायरिंग कर दी। इसके बाद एसटीएफ और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अनुज के सिर में गोली लगी। उन्नाव जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। सुल्तानपुर डकैती की पुलिस ने जो सीसीटीवी तस्वीरें जारी की थी उसमें एक डकैत के अनुज प्रताप सिंह होने का दावा किया गया था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी, तभी से आरोपी अनुज फरार था। इससे पहले एसटीएफ ने जौनपुर के रहने वाले आरोपी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर किया था। इस पर जबरदस्त सियासत हो रही थी। अखिलेश यादव ने न सिर्फ मारे गए डकैती के आरोपी के घर मातमपुरसी के लिए अपने नेताओं को भेजा था बल्कि मंगेश के माता पिता से मिलकर इंसाफ की लड़ाई में उन्हें साथ देने का यकीन भी दिलाया था। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं
सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। अब आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद उसके परिजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार दोनों पर सवाल खड़े कर रहे। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। वही आरोपी अनुज की इकलौती बहन पूछ रही है कि आरोपी को सजा सुनाना जब कोर्ट का काम है तो फिर पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। एनकाउंटर पर राजनीति पहले से गर्म थी, अब फिर आर पार का माहौल बन चुका है। अब समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जबान तो नहीं खुल रही है, जबान बंद है। उनकी सरकार क्या करती थी? वो तो सांसद बना देते थे, विधायक बना देते थे, सदन में पहुंचा देते थे, यही ना समाजवादी पार्टी रही। अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए ये हत्याएं की जा रही हैं, ऐसी हमारी आशंका है, आरोप है। इस बीच अखिलेश यादव ने ताजा एनकाउंटर के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर फिर हमला बोला। अखिलेश ने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्ज एनकाउंटर ना इंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। इस बीच मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर भेदभाव के आरोप लगाने वालों को सीधा जवाब दिया। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। तिरुपति प्रसाद विवाद में नोटिस जारी हुआ है, एक्शन में है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। घी सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस दिया गया है, मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस भेजा है इस कंपनी को। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल्स फेल हो गए टेस्ट में, और अब कारण बताओ नोटिस भेजा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। ये बड़ी अपडेट है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी बड़ी खबर से जुड़ी बात को। अब बात प्रसाद विवाद की, जो तिरुपति से अयोध्या होते हुए मथुरा और वृंदावन का सफर तय कर चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने मथुरा में मिलने वाले प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल उठा दिए। डिंपल का बयान आया तो इस मुद्दे ने कई नेताओं को तीखे बयान देने का मौका दे दिया, लेकिन मुद्दा विपक्ष के हाथों से फिसल गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में शुद्धिकरण हुआ। 8 पुजारी और 3 आगम सलाहकार की अगुवाई में 4 घंटे तक चले अनुष्ठान के दौरान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चार के बीच माफी मांगी गई। पवित्र अग्नि और पंच गव्य से पूरे मंदिर को शुद्ध किया गया, लेकिन तब तक प्रसाद वाला विवाद तिरुपति से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी लांघकर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन पहुंच गया। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है, तो मैं समझती इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने प्रसाद विवाद में योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्हें समाजवादी पार्टी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ भी मिल गया। इन पंडित पुजारियों, संत महंत, धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत इस बात को तय करता है कि हिंदू धर्म के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ठेकेदार पंडित पुजारी संत महंत ही हैं। हमले तेज हुए तो योगी सरकार के बचाव में मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए, बोले प्रसाद पर भ्रम न फैलाएं।
आस्था पर आक्रमण और विश्वास के साथ विश्वासघात का सीधा केस दिखाई पड़ता है कि हर धार्मिक स्थल के लड्डुओं में जो है वो चर्बी ढूंढने की ज़रूरत किसी को नहीं है, इस तरह का भय भ्रम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश का है, सब लोग बाहर से चढ़ावा लेके आते हैं, ले आके चढ़ाते हैं। अब बाहर चूँकि व्यवसायी हैं, अब व्यवसायी निश्चित रूप से कानून से डरता है, ऐसी मिलावट नहीं करता। लेकिन बीजेपी के ही नेता बृजभूषण शरण सिंह जैसे ठान कर बैठे थे कि मिलावट के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है, जरा एक बार जांच कराओ ना। एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोंक दिया। प्रसाद पर विवाद का मामला कितना गंभीर मोड़ ले सकता है, तिरुपति वाला उदाहरण सामने था और योगी सरकार पहले से सतर्क थी। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। हालांकि प्रसाद विवाद से निपटने के लिए कई मंदिर खुद भी कदम उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक है लखनऊ का मन कामेश्वर मंदिर, जिसने बाहर का प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी है। उनसे अनुरोध रहेगा कि आप घर से कुछ भी बनाएं या फल चढ़ाएं या जो भी आपको सही लगे, घर के घी के बने का भी पकवान कर सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दौरे के तीसरे और आखिरी दिन यूएनजीए के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यूएनजीए से दुनिया को संदेश दिया, उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा दुनिया में बढ़ रहा है। पीएम ने यह भी कहा है कि शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव आवश्यक हो गया है। सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नाए नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ वन हेल्थ और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। और आज भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, न्यूयॉर्क से दिल्ली रवाना हो चुके हैं वो। 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री भारत लौट रहे हैं। शाम को 6:20 पर दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज भारत लौट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। न्यूयॉर्क से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शाम को 6:20 पर दिल्ली पहुंच जाएंगे। 3 दिन अमेरिका के दौरे पर रहे और अब वापस स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:20 वक्त होगा जब वो दिल्ली पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको देते हैं एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। शिंदे सरकार का एक नया जाति कार्ड दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का तोहफा है। 3 कुनबी जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण और राजपूत के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। ब्राह्मण और राजपूत को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। 3 कुनबी जातियां ओबीसी की लिस्ट में शामिल की गई हैं और ब्राह्मण और राजपूत को आर्थिक मदद का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा है। नागपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे गृहमंत्री अमित शाह और चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर। इसके बाद एक और बड़ी अपडेट का वक्त है। हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। 26 सितंबर से प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांधी और करनाल से असंध में होगी उनकी पहली रैली। हिसार में भी राहुल की जनसभा होगी। तो 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी कैंपेन शुरू कर रहे हैं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। और अब एक बड़ी अपडेट, लेबनन में एयर स्ट्राइक से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इसराइल के हमले में अब तक 492 लोगों की मौत की खबर है। लेबनन में इसराइल के अटैक में 1642 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। कल इसराइल ने लेबनान में मिसाइलें दागी थी और पिछले एक साल में इसराइल का यह सबसे बड़ा एक्शन है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल के हमले जारी हैं। मौत का आंकड़ा वहां पर बढ़ा है। अब तक 492 लोगों की मौत की खबर है, 1642 घायल बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, लेबनन पर हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया इसराइल के द्वारा। इसराइल में एक हफ्ते की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। 30 सितंबर तक इसराइल में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू रहेगी। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले की धमकी दी है और इसके मद्देनजर एक हफ्ते की इमरजेंसी का ऐलान किया गया है इसराइल में। बड़ी अपडेट, लेबनन पर इसराइल के हमले के बाद इसराइल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, एक हफ्ते की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर तक इसराइल में इमरजेंसी लागू रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का नया जाति कार्ड सामने आया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने तोहफा दिया है। 3 कुनबी जातियों को उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है और इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान किया गया है, ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लिए भी इन्हें आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। एक और बड़ी अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा है। नागपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे अमित शाह, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और इस बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर, नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ बैठक करेंगे गृहमंत्री और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।